मुझे थोड़ा लज लागू अगर पेड़ पानी जा रहा जाल उन्ना के लिए की करा उन्ना के लिए लोग दुख थे बंजे वो पालन से वो ब्यों से वो दे थाड़ा अहुना रो गाड़ ने ब्या ये बग बगदा अनुसार अनपढ़ चेले इनको ली जाम रहे थाड़ उन पढ़ उन लिखों छन ए तो सब पेपर था पास है दली बार पास में लोग कशी खाला लोग करो पहले था कि पहले एक साल पहले पंगा हुआ था तो मैंने मान गया था मैं उधर ही मैं भी कुछ दिन भी घर में नहीं था मैं उन लोगों ने मम्मी छोटी वाली मम्मी को और बड़ी वाली मम्मी को मारा था उसने तो उसके बाद हमने केस किया था तो फिर बाद में समझौता हो गया था तो इसके बाद फिर इस बार एक हफ्ता पहले उसने पंगा किया था घर में तो फिर उसने माफी माफी मांगी पटवारी के पास भी आए थे इधर तो कुछ संज्ञान नहीं लिया पटवारी ने भी फिर रात में आगे ऐसे काट दिया। जब कोई घटना होती है तो उस घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इसी तरह की जो बुरसुम गंगोली हाट हत्याकांड हुआ है उस हत्याकांड के पीछे की वजह भी अब सामने आ चुकी है। दरअसल संतोष राम जो है एक बेरोजगार और सनकी किस्म का युवा था जो कि लगातार शराब पीकर अपने गांव अपने मोहल्ले और अपने घर में लड़ाई झगड़ा किया करता था। आए दिन उसका शराब पीने के कारण क्या हो सकता है, ये उसके मानसिक स्थिति की लत थी या फिर वो जबरदस्ती पीता था ये बात कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी था कुल मिलाकर गलत ही था। तो आए दिन संतोष कुमार शराब पीते हुए आता था घर पे और घर पे बहुत लड़ाई झगड़ा करता था और गांव के हर आदमी से उलझता रहता था। गांव के हर आदमी से उलझने के कारण गांव वाले उससे काफ़ी परेशान थे, यहाँ तक कि घर में भी जो पंगे झगड़े हुआ करते थे वो भी बहुत परेशान थे। धीरे धीरे ये झगड़ा ये पंगा जो है बढ़ता गया और संतोष कुमार का ये दिनचर्या में परिवर्तन हो गया, यानी कि जो काम वो पहले किया करता था यानी कि अपनी दारू पीने की लत के बाद लगातार घर में गांव में हर किसी से उलझना हर किसी से झगड़ा करना तो ये उसकी एक आदत सी बन गई थी और ये आदत लगातार बढ़ती जा रही थी। इस आदत को जब ज़्यादा ही बढ़ गई तो बढ़ने के बाद जब गांव में संतोष कुमार का झगड़ा हुआ पंगा हुआ तो इस बीच संतोष कुमार की रिपोर्ट पुलिस थाने में कर दी गई और जब संतोष कुमार की रिपोर्ट जो है पुलिस थाने में की है तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के बाद संतोष कुमार को थाने ले जाया गया और कहा जाता है कुछ लोगों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह है कि उसकी जो है थाने में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिर कुटाई, क्योंकि व्यक्ति सनकी किस्म का था, कुछ अंट संट भी बोलता होगा, दारू पी के आना और ये उसके आए दिन का काम हो चुका था। जब संतोष कुमार को थाने में संतोष कुमार की कुटाई कर दी गई तो संतोष कुमार के दिमाग में एक यही सनकपन आ गया कि मुझे अब इस चीज़ का बदला लेना है और उस बदले की भावना को लेकर संतोष कुमार थाने से घर आया और घर आने के बाद फिर उसने सबके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और जब भी कोई उससे थोड़ी सी बात करता कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं तो उसके मुँह में सिर्फ एक ही शब्द था कि मैं सबको मार डालूंगा सबको काट डालूंगा। यही एक वजह थी यही एक सनकपन था जिसकी वजह से जो अभी सामने आई है जिसकी वजह से संतोष कुमार ने अपने ही घर की चार महिलाओं की हत्या कर डाली और उसके बाद जाकर जंगल में खुदकुशी कर दी खुद भी फांसी लगा दी। अंजाम का चाहे कुछ भी हो परिणाम चाहे कुछ भी हो इंसान ये नहीं सोचता है, इंसान सिर्फ बदले की भावना में आकर अपने ही परिवार का तहस नहस कर डालता है। इसका परिणाम क्या मिला, बच्चे छोटे छोटे छूट गए और कहा भी जाता है कि जो उसकी बेबी थी वहाँ पर जो है 1.5 साल का बच्चा था जो कि दूध पी रहा था अपनी माँ से और उसी बीच उसका गला दबा दिया गया गला काट दिया गया। वो खून से सारे सन्न हो चुकी थी लेकिन बच्चा दूध को मुंह में लिए हुए था, क्या मंजर रहा होगा। एक सरकपन की वजह और अपने आप को सुपर समझने की वजह चार चार हत्याओं को कर गया और खुद भी जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका। बाकी सच तो संतोष राम ही जाने और संतोष राम का परिवार ही जाने, लेकिन जो प्रयास किया गया जो सोचने जो उनसे मिलने के बाद सामने वाक्य आया है वो वाक्य यही है कि संतोष राम एक सनकी दिमाग का आदमी था और आए दिन उसके गाँव में झगड़े होते थे, झगड़े के कारण जेल जाने की कगार पर था लेकिन उसके थाने में रिपोर्ट की गई और वहाँ पर उसकी कुटाई की गई और यही सनकपन और यही बदला लेने की जो भावना थी उस भावना के तहत संतोष राम ने न आओ देखा न ताओ देखा और उसी आओ न देखने के बाद न ताओ देखने के बाद संतोष कुमार ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अपना तो ये कहना है कि वजह कुछ भी हो
चाहे बदले की भावना हो या फिर न बदले की भावना हो या फिर कोई भी टीस हो, लेकिन हमें कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी को लेने का, किसी के साथ भी इस तरह के अमानवीय कृत्य करने हैं। अगर इस तरह के अमानवीय कृत्य पहाड़ में होते रहेंगे तो पहाड़ पहाड़ कहाँ रहेगा, ये देवताओं की भूमि कहाँ रहेगी, ये तो राक्षसों की भूमि कहलाएगी। तो संतोष कुमार की जो वजह थी वो वजह यही अभी तक सामने आई है, जो विशेष सूत्र है उनके माध्यम से जो पता चला है वो यही पता चला है कि संतोष कुमार ने बदले की भावना को लेकर ये सारा काम किया। बने रहिए वीडियो में, आगे की अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। तब तक आज के लिए थैंक्स, बाय बाय।